अरे दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आइए, हम लोग छोटी सी पार्टी रखे हैं, पकौड़ा वकौड़ा खा रहे हैं। इस समय छोटू जी हैं, मुकेश जी हैं। आइए दिखाते हैं कैसे कैसे लोन का रिएक्शन आता है। और ये मुकेश जी हैं, थोड़ा पेटू हैं, जो अभी एक भी फोटो क्लिक नहीं कराए, फिर उसके पहले ही लगे हैं खाने। और आइए दिखाते हैं उनका चेहरा इस समय कैसा हुआ है। इधर देख सकते हैं, इधर मुकेश जी हैं, देखिए। अरे कुछ हाय बाय टाटा कुछ करेंगे आप लोग? हाय दोस्तों, ये देखिए बैठे हैं बकालू जी, इधर छोटू जी बैठे हैं, बैठ रहे हैं। देखिए उधर मुकेश जी हैं, उनको तो जानते ही आप लोग, आपको दिखाएंगे कि बहुत बार वीडियो में आएंगे खाते हुए, लेकिन सबसे पहले यही खाएंगे। और खाने के बाद कहेंगे कि बहुत ज्यादा भूख लगी है। दोस्तों आपको दिखा देते हैं, हम लोग अभी पकौड़ा खाने जा रहे हैं। आप लोग दिखाते हैं कितना आनंद आता है पकौड़ा खा करके। अभी हम लोग जा रहे हैं पकौड़ा खाने के लिए। अभी जो इधर मुकेश जी बैठे हुए हैं, ये तो अपना खा लिए एक तो पहले ही। अभी देखिए कैसे कैसे खा रहे हैं इनका, ये देख सकते हैं कैसा कैसा लग रहा है मुकेश जी। छोटू जी ठीक है, क्या चाहिए भाई साहब? और सब बढ़िया। और मुकेश जी बोलिए कुछ। पकौड़ा ये कहाँ से आया है भाई? बुजार से आया है ना? बुजार कहाँ से आया है? बहुत बढ़िया बुजार, बुजार पकौड़ा बनाते हैं भाई, ये लाड घाट में, अरे घगारा में दुकान है इनका, पुल के सामने। जिसको भाई पकौड़ा चाहिए वो हमारे बुजार भाई से संपर्क करे आके, बहुत टॉप पकौड़ा बनाते हैं। दोस्तों ये पकौड़ा बुझारत भैया कैसे आया है, एक नंबर का पकौड़ा ये बनाते हैं। मुकेश जी हैं, देखते ही उनके मन का जो बड़ा था वो समा नहीं पा रहा था, वो इसकी वजह से उठा लिए हैं और पहले ये उठा कर खा लिए हैं। और इधर छोटू जी सामने बैठे हैं, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस पकौड़ा के पीछे लगे हुए हैं खाने में। अरे यार बहुत तेल, इसमें क्या बात है, तेल ज्यादा है, बहुत ज्यादा तेल है। वो पेपर है उसमें, तो खा लीजिए। लगता है कि पेट झलने लगेगा। आप गोप भी पकौड़ा चाहिए तो कमेंट करिए दोस्तों, हम भी आपको पकौड़ा खिलाएंगे। फिर किसी दिन व्यवस्था किया जाएगा और आपको इनवाइट किया जाएगा, आइएगा और पकौड़ा खाइएगा। ठंडा लाने वाले थे लेकिन समय का अभाव था, रुके नहीं है, हम लोग जल्दी जल्दी भगे हैं और आकर के पकौड़ा ठीक काम खिला रहे हैं। आज छोटू जी हैं बैठे हैं, ये बहुत कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं इस समय। अरे यार क्या बोले, इसमें बहुत ज्यादा तेल है, साला जल रहा है। अच्छा उठा कर फेंकने का पकौड़ा हुआ। क्या मुकेश जी आप खा चुके क्या? डब्बा खोल रहे हैं, कहाँ जाना है? डब्बा खोल रुक जाइए, बैठिए, कहाँ भाग रहे हैं? बैठिए भी लाया जाएगा, अभी इंतजार कर दिया, पहले खा रहे हैं तो रिकॉर्ड हो रहा है। इनका भी खाओगे क्या? हाय दोस्तों, और कुछ बोलेंगे मुकेश जी? अब कुछ चाहिए? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं चाहिए। कुछ बोलेंगे? बोलने के लिए बहुत बात है, बात है। कुछ बोलिए दोस्तों। मौसम बन रहा है लेकिन बारिश हो नहीं रही है, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। और लेकिन पकौड़ा तो बहुत स्वादिष्ट है भाई। कल बनेगा दोस्तों एक लंबी वीडियो जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा अलग अलग जगहों पे हम लोग कैसे 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 जाते हैं और क्या क्या खाते हैं और क्या क्या खा करके कितना आनंद आता है हम लोगों को। साथ में ये सभी मित्रगण लोग रहेंगे और बनाया जाएगा वीडियो एक लंबी सी। अभी इस समय खाने पर ही वीडियो बना रहे हैं हम लोग ज़्यादा, और सुबह में 60 वीडियो बनाया जाएगा और दिखाया जाएगा आप लोगों को। और आप लोग बताइएगा कैसा बन रहा है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आएगा तो।
और मुकेश जी, आप हरकत से बाहर नहीं आते हैं ना? पर दे दीजिए, आप लेकर क्या सोच के खा लिए आप? कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे सुबह से भूख लगी थी इसीलिए खाने भाई। अरे भाई कम से कम समझना चाहिए, चार लोग हैं। सुबह कुछ खाए नहीं तो बताना चाहिए था आपको, भोजन करा दिए थे हम लोग। बोला नहीं छोटू से, छोटू से बोला हमने। आप खाए होटल में? नहीं नहीं होटल में नहीं, होटल में खाना खा चीजें। होटल खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है आपको? तो आप उसका अच्छा लगता है? घर का खाना अच्छा लगता है। और जो चीज होटल में खाओ वो चीज घर पे लिया के बना के अपन आराम से खाओ। अभी बात सही है, उससे बढ़िया हो जाएगा। पूरा परिवार नहीं देखा। मास्टर जी गलत बोलो तो बोलो, गलत बोलो। सही है, हाँ इमरजेंसी में भाई चाय खा सकते हो होटल में, ये ज्यादा है दोस्तों। तो कबाब लगा लो। अरे हमारे बुजार्ग भैया है, तेल तो नया तेल नाते ना, ये पुराना पुराना तेल नाते हैं, ऊपर तेल दुनिया में सुखा। यही पकौड़ा शिकायत उनका हो रहा है, और कोई बात नहीं है। टेस्ट में अच्छा है, खाने में बहुत सारे टेस्टी ज्यादा है। दोस्तों समय का अभाव था इसलिए हम लोग पकौड़ा से काम चला रहे हैं, कि नहीं भकालू जी? आप इनको भकालू कहते हैं जी? जब हम इनको भकालू कहते हैं तो जैसे मन में खुशी सी आ जाती है, जैसे लगता है अपना पकड़ाना, यही तो भाई है। दुख नहीं होता है भकालू जी? नहीं नहीं आनंद आता है हमको, अच्छा लगता है, जैसे लगता है अपना पकड़ाना। जैसे जब कहते हैं ना काओ काओ भाई का चलिए इस तरह कहते हैं तो वो नहीं लगता है, और भाई नहीं आती है। हाँ वो नहीं आता है उसमें, अच्छा नहीं लगता हमको। जब कहते हैं और यार बढ़िया बा, तो हम मतलब जैसे मन मन खुश हो जाते हैं, मन मन एकदम हमारा रूम रूम झूम उठता है। बस और कुछ कहना चाहेंगे आप? प्रधान जी भाई अब अगला वीडियो बनेगा प्रधान जी के रहर में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बरकत जाना।